ग्रास रूट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी और दीगर स्टेक होल्डर्स की मामला से काम करता है। यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम के तहत पसमानदा तरीन इलाका जात में कम्युनिटी फीडर स्कूल कायम करके 100% इनरोलमेंट, ड्राप आउट को कंट्रोल, मयारी तालीम की फ्राहमी और 100% बुनियादी तालीम की फ्राहमी के टारगेट को अचीव करने के लिए सेटअप बनाता है और जिसको स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के करीब तरीन गवर्नमेंट के स्कूल के साथ लिंक करता है। और इसी तरह तालीम बालगा प्रोग्राम के तहत लिटरेसी सेंटर कायम करके पसमानदा तरीन इलाका जात में 17 से 45 साल की अनपढ़ खवातीन को लिटरेट किया जाता है। वो जहाँ पे 20 से 25 बच्चे या उससे ज्यादा बच्चे जो उन लोकेशन पे मौजूद थे, जो किसी स्कूल में नहीं जा रहे थे, उसी के तहत सिकंदराबाद के जो लोकेशन है यहाँ पे भी फीडर स्कूल यहाँ पे बनाया गया। और वक्त गुजरने के साथ साथ यहाँ पे बहुत ज़्यादा आबादी थी और यहाँ के रेडियस में अगर हम देखते हैं तो 4.5 किलोमीटर के अंदर कोई यहाँ पे गवर्नमेंट का और ना ही प्राइवेट स्कूल मौजूद है कि जहाँ पे बच्चे एजुकेशन हासिल कर सकें। एक मर्द को पढ़ाया तो एक फर्द को पढ़ाया और एक अगर माँ को पढ़ा दिया तो पूरे खानदान को, फैमिली को पढ़ा दिया। इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हमने यहाँ पे एक एडल्ट लिटरेसी सेंटर बनाया इन झुग्गियों में, जहाँ पे इन लोगों की माँ को हमने तालीम दिलाई। NCSD के चेयरमैन कर्नल रिटायर्ड डॉक्टर अमीरुल्ला मरवत ने सरगोधा के दौरे के मौके पर खानाबदोशों की झोंपड़ियों में कायम इदारा के कम्युनिटी फीडर स्कूल का दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने काबिले अदखाल बच्चों के स्कूल में दाखिले किए और बच्चों के वालदैन में परवेज लोधी मेंबर PHDF की जानिब से दी गई सोलर LED लाइट्स भी तकसीम की। उन्होंने स्कूल में फराहम की जाने वाली सहूलियात को सराहते हुए कहा कि इदारा दूर दराज मुकीम बच्चों और बड़ों को हुसूल तालीम के लिए तमाम मौके फराहम करेगा। इनरोलमेंट कैंपेन 2019 का इब्तिदा हमने किया कमिश्नर साहब ने और मैंने, और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में इनरोलमेंट में सरगोधा डिवीजन में काफ़ी इजाफा होगा। आज हमने दो फीडर स्कूल्स का भी दौरा किया और जेल में भी जो हमारा लिटरेसी प्रोग्राम चल रहा है उसको भी हमने विजिट किया। जेल में हमने फंक्शनल लिटरेसी, जहां हमने स्किल भी सिखाए हैं और लिटरेसी की तालीम भी दी है। सरगोधा में NCHD के जेरे तमाम सालाना दाखला मुहिम यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन आगाही सेमिनार से खिताब करते हुए कमिश्नर सरगोधा जफर इकबाल शेख ने कहा कि हुकूमत तालीम को शहरियों की दहलीज तक पहुंचाने के लिए कोशा है और ऐसे बच्चे जो किसी वजह से स्कूल पहुंचने से कासर हैं, इनके लिए NCHD के स्कूल का क्याम किसी नेमत से कम नहीं। पसमानदगी के खात्मे और मुफ्त तालीम की फराहमी के लिए NCHD ग्रास रूट लेवल पर काम कर रहा है। मैं अपने डिवीजन की तरफ से, पंजाब हुकूमत की तरफ से, अपनी तरफ से इनको ये यकीन दिलाता हूँ कि NCHD, मैं, मेरे डिप्टी कमिश्नर्स और मेरा तमाम डिवीजन का जो स्टाफ है, ऑफिसर्स हैं, इनके डिस्पोजल पे हैं इनके काम प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए। जिस वक्त ये हमें चाहेंगे, जो हुक्म देना चाहेंगे, हम उसकी तामील करें। NCHD ने हमें डेवलपमेंट सेंटर बनाकर हमारे गाँव में हमें एक शमा की किरण दिखाई। हमारे पास इधर स्कूल लगा है। NCHD वालों को बहुत शुक्रगुजार हूँ हुकूमत का, जिनने इधर स्कूल लगाया है, हमारे बच्चों को तालीम दे रहे हैं। इंशाल्लाह ताला हमारे बच्चे भी पढ़कर कौम का सरमाया बनेंगे। NCHD बुनियादी तालीम की फराहमी, लिटरेसी रेट की बेहतरी, पसमानदगी के खात्मे के साथ तालीम सबके लिए के हुसूल और समाजी तरक्की के तयशुदा मुल्की अहदाफ के हुसूल के लिए ग्रास रूट लेवल पर काम करने वाला मुल्क का वाहिद इदारा है। इदारे इसी तरह अपनी जिम्मेदारियां सरंजाम देते रहे तो अवाम को तालीम के साथ साथ हुनरमंद बनाकर मुल्क में तालीमी और माशी इनकलाब लाया जा सकता है।